नितिन दास तो यहाँ पे भाई एक सेकंड के लिए, भाई एक सेकंड क्या भाई, बहुत देर के लिए यहाँ पे तो इंडियन फैंस के गोटे मुंह में ला दिए थे। मतलब क्या खेला है ये बंदा भाई, मतलब इतना रन ऐसे मारोगे तो भाई मतलब हम लोग हार्ट के पेशेंट भाई, मर जाएंगे हम लोग ऐसे ऐसे मारोगे तो। जो भी हो भाई, बांग्लादेश का जो बैट्समैन था यहाँ पे नितिन दास भाई, क्या ही खेला है दास भाई। मतलब मानना पड़ेगा यहाँ पे जो मारा है ना पावर प्ले में, यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके का मारा है। बट बारिश से पहले यहाँ पे सारे बांग्लादेशी फैन और पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि दास यहाँ पे मार रहा था और अकेले ही खेला उसने यहाँ पे। उसका साथ में जो था शांतू, वो भाई तो वहाँ पे खेल ही नहीं पाया, बट वो दास ने अकेले यहाँ पे भाई 27 बॉल में हाफ सेंचुरी उंचरी सब, मतलब 22-23 बॉल में ही कर लिया वो, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे भाई गोटे मुंह में आ गए थे पूरे यहाँ पे, मतलब भाई यहाँ पे दिल पूरा धक 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 हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, पूरा मतलब दिल धक 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 हो रहा था। बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था, वो यहाँ पे बारिश करवा दिया। बट यहाँ पे एक चीज़ पता है, बारिश होने के बाद में यहाँ पे बांग्लादेशी फैन और पाकिस्तानी फैंस को लग रहा था कि वो लोग जीतेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे उनको नहीं लग रहा था। यहाँ पे अगर मान लो ऑफिशियली अगर मैं देखूँ DLS मेथड से, यहाँ पे बांग्लादेश 17 रन आगे थी, जो उनको मतलब पीछे होना चाहिए था। बट यहाँ पे उन लोग मतलब बहुत अच्छा खेला यहाँ पे और आगे था यहाँ पे। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अगर इंडिया हार जाती है तो इंडिया तो फिर भाई बाहर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब भाई रोना आ रहा था यहाँ पे। मतलब उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था यार यहाँ पे इंडियन टीम के लिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली पूरा एकदम बैठे हुए थे साइड में जाके कि भैया क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, झूठ मूठ का मुस्कान मुँह पे लेके रखे थे। बट यहाँ पे बारिश जैसे ख़त्म हुई, DLS मेथड के हिसाब से 151 रन का टारगेट आया, फिर जो जादू चला है ना यहाँ पे, मज़ा आ गया यहाँ पे। हमारे बॉलर ने जो कमबैक किया, इंडियन टीम का बॉलर ने भाई फाड़ के रख दी यहाँ पे सारे बांग्लादेशी बैट्समैनों की, सबकी भाई यहाँ पे। और जो मेन चीज़ तो मैं बताना भूल गया, KL राहुल, उसको जितना ट्रोल कर रहे थे ना भाई, उसने मतलब सारे ट्रोल का जवाब एक मैच में देके दिखा दिया। और वो सारे एक मैच के वो थ्रो जो था ना, उसी से दिखा दिया कि वो कितना कैपेबल है। कोई बात नहीं, KL राहुल के बारे में सभी बोलते हैं, एंड कभी खराब परफॉर्मेंस आता है तो एज ए फैन सब बोलते ही हैं, और वो बोलना भी चाहिए। अगर नहीं आप अपने प्लेयर के ऊपर प्रेशर डालोगे तो वो फिर उतना सीरियस नहीं लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे KL राहुल भाई बहुत ही बढ़िया खेला, उसकी जो हाफ सेंचुरी थी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे था उसका जो थ्रो था, उसने यहाँ पे जो दास को आउट किया ना भाई, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। नहीं तो अगर दास खेलते रहता तो इंडियन टीम भाई हार चुकी थी यहाँ पे मैच, मतलब वो जो हिसाब से वो खेल रहा था। उसके बाद यहाँ पे जैसे होता है ना भाई, एक बिल्डिंग का खंबा मतलब नीचे का पिलर गिरा तो खंबा ढंग से गिर जाता है, वैसे बांग्लादेश तो गया बैक टू बैक विकेट आउट। और यहाँ पे जो बॉलिंग की बात करो तो भाई अर्शदीप सिंह भाई लौंडा, मतलब एक मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट कैच हो रहा भाई, बंदे ने उसको भर दिया था। बट उस सारे बंदे को चुप कराना इस बंदे को आता है भाई यहाँ पे, अर्शदीप सिंह को मतलब ऐसे देना चाहिए अपने हेटर को, ऐसे दो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से। और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बात की जाए तो भाई अव्वल नंबर की कैप्टेंसी, विराट कोहली की पारी की बात की जाए तो अव्वल नंबर का कंसिस्टेंसी लेके वो चल रहा है यहाँ पे। रोहित शर्मा यहाँ पे बॉलर को रोटेट करा कर अर्शदीप को लास्ट ओवर के लिए सेव करके रखा था, और अर्शदीप ने लास्ट ओवर में यहाँ पे वो करके दिखाया जो उसे करना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए अर्शदीप जाना जाता है। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया बॉलिंग के लिए अर्शदीप के लिए भाई यहाँ पे वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर दो, और शेयर मतलब फॉलो भी कर लेना यहाँ पे और सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब पे। बट अर्शदीप, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल और जितने भी इंडियन जो प्लेयर्स है सबके लिए भाई हैट्स ऑफ, आप लोगों ने जब मैच खेला यहाँ पे मज़ा आ गया। यहाँ पे बारिश भाई यहाँ पे मैच पलट दिया, बारिश में जब पलटा ना मैच यहाँ पे, तो बारिश जब हुआ तो लगा था बांग्लादेश फैन और पाकिस्तान को कि वो लोग जीत रहे हैं। बट बारिश खत्म होने के बाद जैसे क्रीज पे गए उसके बाद मैच ही पलट गया, उसके बाद भाई वो लोग मुँह का रिएक्शन सूख गया था। और हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो दिग्गज फॉर्मर प्लेयर्स लेजेंड जिसे बोला जाता है, शोएब अख्तर, वो भाई बोल रहा था कि इंडियन टीम बाहर हो गया इंडियन टीम। बट भाई यहाँ पे हम लोगों ने पाकिस्तान को कराची का रास्ता दिखा दिया, एंड हम लोगों ने एक वर्ल्ड कप में 3 बार पाकिस्तान को हराया, पहले तो ऐसे मैच में हराया, दूसरा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट और तीसरा आज बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो मानना पड़ेगा इंडियन टीम को, ठीक है। मज़ा आ गया भाई मैच देख के।